जाके रहते थे, खोए खोए रहते थे, करते थे प्यार की बातें। हेलो गाइज, वेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में देख रहे हो स्क्रीन पर जो वीडियो आप फर्स्ट में देखे, इस टाइप का वीडियो हम क्रिएट करने वाले हैं इस वीडियो में। एंड इस टाइप का वीडियो अभी इंस्टाग्राम रील्स में काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है और अभी ट्रेंड में चल रहा है, आप लोग देखे होंगे। अगर आपको भी क्रिएट करना है तो मेरा इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखना। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कैसे आप भी इस टाइप का वीडियो को क्रिएट कर सकते हो, आप अपना फोटो या फिर किसी और का फोटो से। सो गाइस, वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज एक लाइक कर लेना, साथ में चैनल पे नहीं होते सब्सक्राइब करके ये जो बगल में बेल आइकन है इसको जरूर ऑल कर लेना ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुंच सके। सो चलिए अब वीडियो को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। सो यार, वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले आपको इनशॉट एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद कुछ इस टाइप के इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आपके फोन में इनशॉट एप्लीकेशन नहीं है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इजीली आप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाना जो वहाँ आपको इजीली मिल जाएगा। तो देख सकते हो मैंने यहाँ पे इनशॉट एप्लीकेशन को ओपन कर लिया हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको वीडियो ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते हैं यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, वीडियो, फोटो एंड ऑल। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे वीडियो के ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते आपको ये 16 सेकंड का इंट्रो वीडियो को यहाँ पर ऐड कर लेना है। देन आपको फोटो के ऊपर टच करना है। जैसे टच करते यहाँ पर टोटल आपको यहाँ पे 30 फोटो को यहाँ पर ऐड कर लेना है। अगर आपके पास 30 फोटो नहीं है, अगर आपके पास 12-13 ही फोटो है तो वही फोटो रिपीट आपको ऐड कर लेना है और टोटल आपको 30 फोटो यहाँ पर ऐड करना है। तो चलिए हम फोटो एंड वीडियो दोनों ऐड कर लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने वीडियो एंड फोटो दोनों ऐड कर लिया हूँ। तो इस तरह से आपको भी ऐड कर लेना है। एंड अब क्या करना है, यहाँ पे आपको वीडियो के फर्स्ट पे जाना है। जाने के बाद यहाँ पे वीडियो के ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते सबसे पहले इसका जो रेशियो यहाँ पे चेंज करना है। उसके लिए यहाँ पे कन्वर्स वाला एक ऑप्शन मिलेगा, ऊपर में इसके ऊपर क्लिक करना है। 9:16 वाले रेशियो के ऊपर टच करना है और यहाँ पे आपको टिक वाला ऑप्शन मिलेगा, टिक कर लेना है। एंड अब क्या करना है, यहाँ पे फोटो के ऊपर क्लिक करना है। फर्स्ट वाला फोटो का रेशियो देख सकते हैं यहाँ पे ठीक है, तो सेकंड वाला फोटो के ऊपर टच करना है। सेकंड वाला फोटो का रेशियो देख सकते हैं कुछ इस तरह से है, तो इसको चेंज करना है। उसके लिए यहाँ पे अगेन आपको कन्वर्स वाला ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। 9:16 वाले रेशियो के ऊपर क्लिक करके ये जो एरो मिलेगा आपको 50 कर लेना है। फोटो को हल्का सा आपको सेट कर लेना है। देन यहाँ पे आपको डबल टिक वाला ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। अप्लाई टू ऑल वाला ऑप्शन में प्रेस कर लेना है। तो जितना भी फोटो मैंने ऐड किया हूँ सब फोटो यहाँ पे 9:16 वाले रेशियो में कन्वर्ट हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पर जो फोटो नहीं होगा उस फोटो के ऊपर क्लिक करना है और इस तरह से आपको सेट कर लेना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे रेशियो जो है, सबसे पहले सब चीज का रेशियो आपको चेंज करना है, चाहे वीडियो का या फिर फोटो का, ठीक है। तो इस तरह से आपको सबसे पहले कर लेना है। तो जैसे ही हो जाता है अब क्या करना है, यहाँ पे वीडियो के फर्स्ट पे आपको आना है। आने के बाद सबसे पहले यहाँ पे म्यूजिक को ऐड करना है। तो म्यूजिक ऐड करने के लिए ऊपर में देख सकते हो म्यूजिक वाला एक ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। म्यूजिक प्लस वाला आइकन में जाना है। माय म्यूजिक में जाकर यहाँ से आप ऑडियो को ऐड कर सकते हो, मतलब सॉन्ग को ऐड कर सकते हो। तो मेरा जो सॉन्ग है यहाँ पे ऐड हो गया है, देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पर। देन यहाँ पे आपको टिक वाला ऑप्शन मिलेगा, टिक कर लेने। एंड अब क्या करना है, यहाँ पे आपको फर्स्ट वाला फोटो के ऊपर क्लिक करना है और जितना भी फोटो मैंने ऐड किया हूँ सब फोटो का ड्यूरेशन को यहाँ पे घटा लेना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट वाला फोटो के ऊपर टच करना है। जैसे टच करते हैं यहाँ पे आपको टूल्स मिलेगा, ऊपर में थोड़ा स्लाइड करना है। यहाँ पे आपको ड्यूरेशन वाला एक ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक पेंसिल वाला आइकन में जाना है और यहाँ पे आपको ड्यूरेशन जो है 0.5 सेकंड में कर लेना है। एंड ओके वाला ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। और यहाँ पर डबल टिक वाला ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करके अप्लाई टू ऑल वाला ऑप्शन में प्रेस कर लेना। तो जितना भी फोटो मैंने ऐड किया हूँ सब फोटो का ड्यूरेशन यहाँ पे 0.5 सेकंड में कर लेना है, जितना भी फोटो मैंने ऐड किया हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आपको कर लेना है। करने के बाद अब क्या करना है, यहाँ से जहाँ से फोटो स्टार्टिंग है देख सकते हैं भाई, यहाँ से फोटो स्टार्टिंग है उस लाइन पर आपको यहाँ पर आना है। आने के बाद यहाँ पे आपको पीआईपी वाला एक ऑप्शन मिलेगा, देख सकते हैं पीआईपी वाला ऑप्शन, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते हैं यहाँ फोटो वाला ऑप्शन जाना है। जाने के बाद यहाँ पे ये देख सकते हैं ये ब्लैक शेडो इमेज को यहाँ पर ऐड कर लेने। देन आपको यहाँ पे फुल स्क्रीन पर कर लेना है कुछ इस तरह से, हल्का सा बड़ा करके, और नीचे में आपको यहाँ पर सेट कर लेना है। और इमेज के ड्यूरेशन को आपको इस तरह से लॉन्ग कर लेने। अगर आपको वही लाइन पे जाना है, पीआईपी वाला एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे, पीआईपी प्लस वाला आइकन, इसके ऊपर अगर आपको क्लिक करना है। फोटो वाला ऑप्शन में जाना है और आपको ये वाला इमेज को यहाँ पर ऐड कर लेना है, लाइफ लाइन वाला, ठीक है। देन हल्का सा आपको बड़ा कर लेना है और नीचे में यहाँ पर आपको सेट कर लेना है। करने के बाद इसका इमेज के ड्यूरेशन आपको इस तरह से लॉन्ग कर लेना है। करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह से हो जाएगा। होने के बाद अब क्या करना है, अगर आपको पीआईपी प्लस वाला आइकन मिलेगा इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते फोटो वाला ऑप्शन जाना है और आपको ये व्हाइट बॉर्डर इमेज को यहाँ पर ऐड कर लेना है।
एंड यहाँ पे आपको फुल स्क्रीन पर करके इसका जो ड्यूरेशन है आपको इस तरह से लॉन्ग कर लेना है। देख सकते हैं यहाँ पे, तो मेरा यहाँ पे पीआईपी वाला काम जो है यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह से आपको कर लेना है एंड यहाँ पे आपको टिक वाला ऑप्शन मिलेगा, टिक कर लेना है। एंड यहाँ पे आपको फर्स्ट वाला फोटो के ऊपर टच करना है। अब जैसे ही टच कर तो यहाँ पे आपको फिल्टर वाला एक ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते इफेक्ट वाला एक ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते यहाँ पे आपको एक बिट्स वाला एक ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। और यहाँ से आपको ये ब्राइट इफेक्ट को यहाँ पर ऐड कर लेने, करने के बाद इसका जो है स्ट्रेंथ को हाई कर लेने और इसका जो इंटरवल है आपको हल्का सा घटा लेने। देन यहाँ पर आपको टिक वाला ऑप्शन मिलेगा, टिक कर लेने और इसका जो ड्यूरेशन है इफेक्ट का ड्यूरेशन को आपको इस तरह से लॉन्ग कर लेना है, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह से मेरा हो गया है। होने के बाद यहाँ पे आपको टिक वाला ऑप्शन मिलेगा, टिक कर लेने। एंड गाइस मेरा जो वीडियो यहाँ पे कंप्लीट बन के रेडी हो चुका है। तो चलिए एक बार हम प्ले करके आपको दिखा देता हूँ। तो देख सकते हो मेरा वीडियो कुछ इस तरह से बन के रेडी हो चुका है। एंड गाइस वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर लेना। एंड इस वीडियो में जितना भी मटेरियल एंड वीडियो यूज हुआ सब का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में होगा, इजीली आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। एंड अब क्या करना है, आपको वीडियो को सेव करना है। सेव करने के लिए ऊपर में सेव वाला ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक है तो फ्रेम रेट इसको 16 करके वीडियो को हाई क्वालिटी में सेव कर लें। तो मेरा जो वीडियो यहाँ पे सेव होना स्टार्ट हो चुका है। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद वंदे मातरम। एंड इस वीडियो में जितने मटेरियल एंड वीडियो यूज हुआ सब का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में होगा या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पर होगा।